मैं डॉक्टर राजेश जैन हूँ, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल पश्चिम विहार नई दिल्ली से। हेड एंड नेक कैंसर का सर्जन हूँ मैं। आज हम हेड एंड नेक कैंसर के बारे में एक दो छोटी छोटी ज़रूरी बातें बताएंगे आपको। सबसे पहली बात है कि हेड एंड नेक कैंसर, जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ये कैंसर्स को हम हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं। इस हेड एंड नेक कैंसर की विशेषता यह है कि ये आमतौर पर तंबाकू के सेवन से होता है। जो हम गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, जर्दा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्मोक्ड या स्मोकलेस दोनों ही तरह के तंबाकू का सेवन करने से हेड एंड नेक कैंसर होते हैं। अब हेड एंड नेक कैंसर अगर तंबाकू की वजह से ज़्यादातर केसेस होते हैं तो ये प्रिवेंटेबल कैंसर की श्रेणी में आता है। अगर हम तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में जो कर रहे हैं अगर उसको बंद कर दें तो काफ़ी मात्रा में हेड एंड नेक कैंसर इस सोसाइटी से ख़त्म हो सकता है। मेरी आपसे बात करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मैं ये जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि हम तंबाकू का सेवन ना करें। अगर हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो तंबाकू के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल्स कैंसर करते हैं। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें आदत डाल देते हैं, उसकी लत पड़ जाती, और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे डीएनए में जाके हमारे डीएनए में कुछ चेंजेस करते हैं जिसको हम डीएनए एडिक्ट कहते हैं। वो चेंजेस करके हमारे कैंसर सेल्स को प्रेरित कर देते हैं या कैंसर सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं और कैंसर होता है, बढ़ता है। तो टोबैको का सेवन ना करें और हेड एंड नेक कैंसर से बचें। इसलिए हेड एंड नेक कैंसर से लड़ें, डरे नहीं, हेड एंड नेक कैंसर होने ही ना दें। और आज ये पढ़ लें कि आज के बाद हम न तंबाकू का सेवन करेंगे, न अपने परिवार में किसी को तंबाकू का सेवन करने देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए हम बहुत अच्छा काम करेंगे। लेट अस फाइट अगेंस्ट टोबैको, लेट अस फाइट अगेंस्ट कैंसर।